यूसेस ऑफ कॉमा विद रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस के साथ में कॉमा का यूज कैसे करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लो आप इंग्लिश लिखना चाहते हो, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो उसमें भी पंक्चुएशन तो आपको आनी ही चाहिए। बाकी आज जो हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना, ये अदरवाइज भी आपको मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट होती है उसके हिसाब से भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हो, सीधे स्टार्ट कर देते हैं क्लास। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक्स छोटे मोटे जो आप लोग पहले से जानते होंगे। आई नो कि हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे जो इस बैच में पढ़ रहे होते हैं वो लगभग ये बातें जानते होंगे, ठीक है, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी ये कमेंट्स कर रहे हो, इन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा भी, इनके आंसर भी करूंगा, लेकिन तब जब मैं पहले जो पढ़ाने आया हूँ, जो सिखाने आया हूँ, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूंगा तब। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि ये सारा कमेंट वमेंट बंद करना, मतलब करना अपना बंद करो और जो बताया कहा जा रहा है उसको सुनो और समझो। ठीक है, उसको सीखो और उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश करो कि इतना अगर टाइम दे रहे हो, अपना डाटा खर्च कर रहे हो, अपना टाइम खर्च कर रहे हो, तो उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश करो। और ये जो कमेंट्स तुम लोग कर रहे हो वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी पढ़ूंगा नहीं, वो बाद में मैं आंसर करूंगा लास्ट के 10 मिनट्स में। ओके, खैर तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं और जो आज हम यूज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमा के लिए, इसको आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स हैं एंड आई होप जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं लाइव में उनको वो पता भी होंगे, तभी वो इस सेशन को अटेंड भी कर रहे होंगे। मैं बता देता हूँ क्या, कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो भी सबॉर्डिनेट क्लॉजेस ही होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं ये, जैसे कि सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन होती हैं। ठीक है, तो जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं जिन्हें हम रिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं, ये एडजेक्टिव होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, और ये भी सबॉर्डिनेट क्लॉजेस ही होती हैं, ये ध्यान रखना। अभी क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, होम, विच, दैट, इनके साथ रिलेटिव क्लॉजेस को लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहां पे आप देखें, हमने यहां पे एक रिलेटिव क्लॉज लिखी हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, और यहां पर एक रिलेटिव क्लॉज लिखी विच अटैक्ड योर ब्रदर। एक मिनट, हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री और विच अटैक्ड योर ब्रदर, ये दोनों रिलेटिव क्लॉजेस हैं। ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि हु, होम, विच, दैट, इनके साथ लिखी गई जो क्लॉजेस होती हैं वो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं। रिलेटिव क्लॉजेस सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं जो एडजेक्टिव का काम करती हैं, और इनका काम होता है इनसे पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को, जो कि इनका एंटीसीडेंट होता है, डिस्क्राइब करना। जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन से प्रोनाउन को, उसी तरीके से ये भी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझें, गांधी जी नाउन है, गांधी जी के लिए हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिख दी हु फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो ये गांधी जी के बारे में डिटेल है, मतलब गांधी जी के बारे में तो वैसे ही हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मान लो हमने और एक फर्दर डिटेल उनके बारे में दे दी कि हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, फिर हमने लिखा द डॉग हैज ऑल्सो अटैक्ड मैनी नेबर्स, विच डॉग, तो हमने डॉग को डिस्क्राइब करने के लिए क्लॉज लिख दी विच अटैक्ड योर ब्रदर, जिसने तुम्हारे भाई पे हमला किया। ठीक है, तो ये जो दोनों हमने क्लॉजेस लिखी ना, विच अटैक्ड योर ब्रदर, हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ये दोनों क्लॉजेस ही अपने से पहले लिखे गए नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई। जैसे यहाँ पे गांधी जी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है, और डॉग को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये क्लॉज लिख दी। तो ये होती हैं रिलेटिव क्लॉजेस जो एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। रिलेटिव क्लॉजेस का यूज हम करते हैं तब जब हमें उस नाउन को जिसके लिए हम उनका यूज कर रहे हैं आइडेंटिफाई करना, मतलब एक तो इनका पर्पस होता है आइडेंटिफिकेशन, कि हम रिलेटिव क्लॉजेस का यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है द रिप्लाई ऑफ विच, कि भाई जैसे हमने कहा था डॉग हैज ऑल्सो अटैक्ड माई नेबर्स, देन विच डॉग, कौन सा डॉग, तो डॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्लॉज लिख दी विच अटैक्ड योर ब्रदर, जिसने तुम्हारे भाई पे अटैक किया। तो इससे क्लॉज वो डॉग जो है ना हमारा आइडेंटिफाई हो गया, कौन सा डॉग। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने गांधी जी को आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि देर आर नॉट मेनी गांधीज, बहुत तो गांधी जी तो है नहीं, मतलब गांधी तो बहुत है, ठीक है, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा नहीं है। तो गांधी जी जो हमारे मतलब फादर ऑफ द नेशन है वो एक ही है, तो ये गांधी जी का मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का एलेबोरेशन है, मतलब गांधी जी के बारे में हमने कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लिख के थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, तो ये गांधी जी का मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई जिसके थ्रू उन्हें थोड़ा सा एलेबोरेट किया जा रहा है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ एडिशनल बताया जा रहा है, डन। ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉजेस का काम होता है। ठीक, रिलेटिव क्लॉजेस का काम होता है कि जिस नाउन के लिए उन्हें यूज किया गया है उस नाउन को या तो वो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि ये बताती हैं कि विच वन, कौन से वाला। ठीक है,
या फिर वो क्या करती हैं कि जिस नाउन के लिए उनको यूज किया गया वो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का मतलब है वो उसको एलेबरेट करती हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं करती, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है, बस उसको एलेबरेट कर देती हैं। तो ये जो दो फंक्शन होते हैं ना रिलेटिव क्लॉजेस के, इनके बेसिस पर हम रिलेटिव क्लॉजेस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती हैं और एक नॉन डिफाइनिंग होती हैं, ठीक है। इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, लेकिन वो बोलने में हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता, तो मैं तो उसको यूज नहीं करता, तुम भी मत यूज करना, ठीक है। डिफाइनिंग क्लॉजेस को एक और नाम से भी जाना जाता है, रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग को एक और नाम से भी मतलब जाना जाता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। तो मतलब डिफाइनिंग का मतलब रिस्ट्रिक्टिव और नॉन डिफाइनिंग का मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव से डिफाइनिंग बोलना थोड़ा सा आसान होता है, मतलब इजी टू प्रोनाउंस होता है, तो हम इसको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग ही कह के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती है ना, इनका काम होता है एलेबरेशन। ये क्या करती हैं, अपने एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट का मतलब होता है वो नाउन जिसके लिए नहीं यूज किया गया, उसको एलेबरेट करती हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। अच्छा, डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या करती हैं, वो उसको एलेबरेट नहीं करती हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, वो उसका आइडेंटिफिकेशन कराती हैं, जिससे ये पता चल पाता है कि विच वन, कौन से वाला, डन। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हम कॉमा का यूज करते हैं सेंटेंस में नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी डिफाइनिंग मतलब जो हमारी रिलेटिव क्लॉजेस हैं, इनमें से नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस जो होती है ना, ये होती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये होती हैं नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव क्लॉजेस डिफाइनिंग होती हैं, वो होती हैं एसेंशियल इंफॉर्मेशन, वो होती हैं मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो जो डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं हम उनको विदाउट कॉमा लिखते हैं। विदाउट कॉमा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो उस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम उस इंफॉर्मेशन का उस सेंटेंस में यूज ना करें तो फिर ये नहीं पता चल पाएगा कि विच वन, कौन सा। तो वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम बिना कॉमा के लिखते हैं, जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती है। अच्छा, जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं, वो फर्दर मतलब अपने एंटीसीडेंट को केवल एलेबरेट करती हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह कराने के लिए नहीं यूज की जाती हैं। तो अगर हम चाहें तो उनको हटा के भी अपने सेंटेंस को एज इट इज यूज कर सकते हैं और हमारे मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होती हैं उनके साथ कॉमा लिखना है, डिफाइनिंग क्लॉजेस होती हैं उनके साथ कॉमा नहीं लिखना है, ये रिलेटिव क्लॉज की कहानी है, ठीक है। अब ये दो एग्जाम्पल जो हमने लिखे ना, इनमें ये बात पहचानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हमने कॉमा लिखा ना, तो कॉमा लिखने का मतलब ये होता है कि जो आपने क्लॉज लिख दी ना, ये नॉन डिफाइनिंग है। अगर आप रिलेटिव क्लॉज को कॉमा के साथ लिख रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी डिफाइनिंग नहीं, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ठीक है। अगर आप रिलेटिव क्लॉज को विदाउट कॉमा लिख रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी डिफाइनिंग क्लॉज है। तो अगर ये डिफाइनिंग क्लॉज है तो इसका मतलब हम उस नाउन को जिसके लिए इसका यूज किया गया डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विच वन जरूरी भी है। मान लो अगर हम केवल इतना लिख दें द डॉग हैज ऑल्सो अटैक्ड माई नेबर्स, देन विच डॉग, कौन सा डॉग, तो हमें पता कैसे चल पाएगा विच डॉग। तो उस डॉग की आइडेंटिफिकेशन इस इंफॉर्मेशन से हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन डॉग का आइडेंटिफिकेशन है, तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है, विदाउट कॉमा हमने लिख दी, ठीक है। फिर हमने लिखा गांधी जी वॉज अ बैरिस्टर, गांधी जी एक बैरिस्टर थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो अब अगर हम इसके बारे में ये बात ना भी बताएं, हु फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, तब भी हमें पता है विच गांधी जी, भाई हमें तब भी पता है विच गांधी जी। तो इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी ना, हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करोगे तब भी हमारी मेन क्लॉज है वो अपना मीनिंग क्लियर कन्वे कर देगी। तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज थी, इसलिए हमने कॉमा लगा दिया। तो हम रिलेटिव क्लॉज के साथ में कॉमा तभी लगाते हैं जब वो नॉन डिफाइनिंग हो, और अगर वो डिफाइनिंग हो तो नहीं लगाते, ठीक है। बात आसान है, कैसे पता चलता है कोई क्लॉज डिफाइनिंग होनी चाहिए नॉन डिफाइनिंग होनी चाहिए, वो प्योरली डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। तो ये तो खैर क्वेश्चंस नहीं थे, अब आगे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उसमें तुम लोगों से आंसर पूछूंगा और बताना। देखिए, हियर आर सम क्वेश्चंस, यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। माई कार विच आई बॉट लास्ट मंथ हैज बिन स्टॉलन फ्रॉम द पार्किंग लॉट, माई कार विच आई बॉट लास्ट मंथ हैज बिन स्टॉलन फ्रॉम द पार्किंग लॉट। तो यहां पे आप देख रहे होंगे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू, दोनों में हमने रिलेटिव क्लॉज लिखी है विच आई बॉट लास्ट मंथ, ठीक है, विच आई बॉट लास्ट मंथ, ये रिलेटिव क्लॉज है। एक में हमने कॉमाज नहीं यूज किए, एक में हमने कॉमा यूज किया, ठीक है। तो जिसमें कॉमा यूज कर दिए वो डिफाइनिंग क्लॉज हो गए, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो गई, जिसमें नहीं यूज किया वो डिफाइनिंग क्लॉज हो गई। जल्दी से बता दो विच वन इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी इनमें से रिलेटिव क्लॉज सही है, द वन विच हैज बीन यूज्ड विद कॉमास और द वन विच हैज बीन यूज्ड विदाउट कॉमास। मतलब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज करना सही है या नॉन डिफाइनिंग यूज करना सही है, मतलब कॉमा यूज करनी चाहिए हमें या कॉमा नहीं यूज करना चाहिए, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस।
फर्स्ट और सेकंड, क्विक आंसर दो भाई। विच वन इज करेक्ट? अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन के क्लास की, लॉकडाउन अपना पार कर रहे, बहुत अच्छी बात है बच्चे। लॉकडाउन का हमें यूज करना चाहिए, कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन का अच्छा उपयोग कर लिया है और कुछ लोग अपना मतलब। तो मतलब आंसर है फर्स्ट, बोथ, सेकंड, फलाना ढिमकाना, मतलब आप लोग अपनी अपनी मर्जी से आंसर दे रहे हो, मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है, यही मतलब सुंदरता है, ठीक है। देखिए, टाइम खराब नहीं करवाता, तुम लोगों ने एफर्ट कर लिए, जो अटेम्प्ट करना था कर लिया, ठीक है। अब मैं आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार आप कॉमा यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेंटेंस दोनों तरीके से सही होगा। क्यों सही हो जाते हैं दोनों तरीके से सेंटेंसेस? क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे एलेबरेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर डिस्क्रिप्शन की भी, आइडेंटिफिकेशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो आप कॉमा लगा दोगे तो हम उसको एलेबरेशन मान लेंगे, ठीक है, और नहीं लगाओगे तो हम उसे आइडेंटिफिकेशन मान लेंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा माई कार विच आई बॉट लास्ट मंथ, तो हमने यहां पे लिखा विच आई बॉट लास्ट मंथ, तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये कि हमने कार को डिफाइन कर दिया। जैसे हमने लिखा माय कार हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द पार्किंग लॉट, ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है। देन विच कार, विच ऑफ माय कार्स, कौन सी वाली कार मेरी जो है वो पार्किंग लॉट से चोरी हो गई, तो मैंने बता दिया विच आई बॉट लास्ट मंथ, जो मैंने लास्ट मंथ खरीदी वो वाली। तो इसका मतलब आई मस्ट हैव मोर कार्स, मेरे पास और भी कार्स होंगी। अच्छा, उनमें से वो जो मैंने लास्ट मंथ खरीदी वो चोरी हो गई, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उस कार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि विच कार हैज बीन स्टोलन, देन इट मींस आई हैव गॉट मोर देन वन कार। इसका मतलब सीधा सा ये निकला कि आई हैव गॉट मोर देन वन कार, मेरे पास एक से ज्यादा कार है, ठीक है, और मैं केवल एक कार की बात कर रहा हूं, चूंकि मैं किसी एक कार की बात कर रहा हूं कईयों में से, तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया विच वन, ठीक है। चलिए, अब मान लो सबके पास नहीं होती, सबके पास तो बहुतों के पास तो एक भी नहीं होती, खैर आप मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा उसके पास एक ही कार है और वही उसने लास्ट मंथ खरीदी और वही उसकी पार्किंग लॉट से चोरी हो गई, अब क्या करेगा बेचारा? तो उसको अब आइडेंटिफाई करने की तो जरूरत ही नहीं है विच कार, क्योंकि जब कार एक ही है तो आप आइडेंटिफाई क्यों करोगे? आप किसी नाउन को आइडेंटिफाई तब करते हो जब वहां पे ऑप्शन पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा हो, लेकिन अगर ऑप्शन ही एक हो, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई की जरूरत क्या है? तो जो हमने लिखा ना माई कार विच आई बॉट लास्ट मंथ हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द पार्किंग लॉट, इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब यह कि इस पर्सन के पास एक ही कार थी जो इसने लास्ट मंथ खरीदी थी, मतलब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि जो इसकी कार थी वो एक ही थी और वो चोरी हो गई पार्किंग लॉट से, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बारे में एलेबरेशन दे रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो इसकी कार थी वो इसने लास्ट मंथ ही खरीदी थी। तो अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास एक ही कार है, ठीक है, और वो उसकी चोरी हो गई, तो ये रहा सेंटेंस सेकेंड वाला। अब कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास कई कार है उनमें से एक चोरी हो गई, तो ये रहा सेंटेंस। तो मतलब आपके ये दोनों सेंटेंस सही है बच्चे, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। हरिओम, पढ़ाई लिखाई कर लिया करो बेटा, प्रदीप धरलिया, पढ़ाई लिखाई करो, हाँ ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक लाइफ मैटर, एवरी लाइफ मैटर यार, हर एक लाइफ मैटर करती है, मेरी लाइफ मैटर करती है, आपकी लाइफ मैटर करती है, मतलब आप कहाँ झंझट में पड़े हो? इन चीजों को नारे लगाने से अच्छा है कि अपने अंदर अमल में लाओ, ठीक है। खैर चलो, अब नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स ये हो गए डिस्कस, समझ गए, नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड एंड फोर्थ। द फाइनल मैच विच वी वॉच्ड ऑन टीवी वॉज प्लेड एट द ईडन गार्डन्स, ठीक है, द फाइनल मैच विच वी वॉच्ड ऑन टीवी वॉज प्लेड एट द ईडन गार्डन्स, समझ तो गए ही होंगे। मैच नाउन के लिए हमने यहां पर दो रिलेटिव क्लॉज लिख दी, एक मिनट, एक हमने लिखी विच वी वॉच्ड ऑन टीवी और एक हमने लिख दी विच वी वॉच्ड ऑन टीवी। यहां पे कॉमा यूज कर लिए तो ये नॉन डिफाइनिंग हो गई, वहां पे कॉमा नहीं यूज किए तो वो डिफाइनिंग हो गई। नाउ आंसर, अब एक बार आंसर बताएं, विच वन इज द करेक्ट, द थर्ड और द फोर्थ एग्जाम्पल? ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से बताएं कि विच वन इज करेक्ट।
44 लिख दे बेटा, सही है, बहुत अच्छा है। तुम ज्यादा आगे चले गए वहां पे पुल खत्म हो गया, इतना आगे चले गए हो। अब देखिए यहां पे कहानी क्या है, जैसे हमने तो फाइनल मैच लिख दिया, तो इतना तो हमें पता ही कि फाइनल मैच एक ही होता है, सेमीफाइनल दो हो सकते हैं, क्वार्टर फाइनल चार होते हैं, मतलब होते ही हैं चार, क्वार्टर फाइनल चार होते हैं, सेमीफाइनल दो होते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल मैच एक ही होता है। तो अगर हमें फाइनल मैच हमने कह दिया है तो मैच तो आइडेंटिफाई हो गया भाई, अगर फाइनल मैच एक ही होता है और फाइनल मैच तो मल्टीपल होते नहीं है, तो फिर अब उसको आप डिफाइन करोगे क्या? तो ये जो हमने क्लॉज विदाउट कॉमा लिख दी ना, ये हो गई गलत और ये हो गया सही, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो यहां पे माई कार के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कि माई कार हो सकता है कि कईयों में से कोई एक हो, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़ेगी। हो सकता है कार एक ही हो, तो अगर कार एक ही होगी तो फिर उसके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी, और हमें पता है दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी होता है एक पर्सन के पास एक से ज्यादा कार हो, ऐसा भी होता है एक पर्सन के पास एक ही कार हो, तो वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट अपनी रिलेटिव क्लॉज यूज कर लेगा। उसके पास एक ही कार है तो वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज यूज करेगा इस बात को लिखने के लिए, और उसके पास कई कार थी उनमें से एक को रेफर करना है तो डिफाइनिंग क्लॉज यूज करेगा। लेकिन फाइनल मैच एक ही होता है, कोई भी सीरीज होती है उसमें लीग मैचेस कई हो सकते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन जब फाइनल होता है तो फाइनल एक ही होता है। तो चूंकि फाइनल एक ही होता है, मैनी फाइनल मैचेस होते नहीं है, तो आप उसको डिफाइन क्यों करोगे विच फाइनल मैच? तो वो डेफिनेट हो गया, ठीक है, अब डेफिनेट हो गया एक ही फाइनल मैच होता है, तो फिर उसके लिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज यूज करो, डिफाइन करने की तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो बस ये सही है, वो गलत हो गया। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इन बातों को। फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स, इफ विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स, ठीक है, विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग, विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग, ये दो हमने मतलब दो क्या एक ही सेंटेंस है दो बार लिख दिया है, एक में डिफाइनिंग क्लॉज को हम एक में रिलेटिव क्लॉज को डिफाइनिंग बना दिया, एक में नॉन डिफाइनिंग रखा, इसमें कॉमा यूज कर लिया नॉन डिफाइनिंग है, इसमें नहीं यूज किया डिफाइनिंग हो गई, ठीक है, जल्दी से बताएं विच वन इज करेक्ट। आप प्रदीप धरलिया, बेटा ट्रिक नहीं होती, मान जाओ ट्रिक नहीं होती, जिस दिन तुम्हारा मतलब ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। एक चाइनीज बहुत अच्छी प्रवर्ब होती है लेकिन हमारे बच्चे मानते नहीं है, शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट, शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट, ठीक है, हम नहीं मानते, ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं होते बेटा, कोई ट्रिक्स नहीं होती है, ठीक है, ट्रिक तो माया जाल है, ठीक है, आंसर बता दो भाई लोग, ठीक है। इफ विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स, इफ विच इज रिटन बाय रडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स, तो हम इसमें क्या लिखें, रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग लिखें या नॉन डिफाइनिंग लिखें? देखो मैं रूल और शॉर्टकट की तुम्हें बात बताता हूँ, हालांकि मैं एक मिनट तुम लोगों का लूंगा, लेकिन हो सकता है इसमें से किसी बच्चे को कोई काम की सही बात समझ में आ जाए और उसके मतलब ज्ञान चक्षु ओपन हो जाए, ठीक है। हमारे रहेंगे टीचर्स, एक ही ट्रिक से पूरी इंग्लिश सीखें, 5 मिनट में ये सीखें, 15 मिनट में वो सीखें, और एक ऐसी ट्रिक है जिससे कि सारे नाउन के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ऐसी ट्रिक है जिससे सारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और ये बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के उन्होंने हजारों वीडियो बना दिए इंग्लिश पे, मतलब उनके चैनल पे रहेंगे या फिर वो उन्हें पढ़ाने रहेगा तो हजारों वीडियो बना दिए, ठीक है, अब बस वो एक ही ट्रिक से पूरी इंग्लिश सीखते रहे, और एक ट्रिक होते 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 10,000 ट्रिक हो गई, वो इंग्लिश खत्म नहीं हुई। तो बस यही है, ट्रिक और शॉर्टकट्स का जाल अगर समझ में आ गया हो तो वो कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर लगे रहोगे ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से, कभी कोई सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको एक साइड से पकड़ो सिस्टमेटिक, ठीक है, एक एंड से पकड़ो और उधेलते चले जाओ, उधेलते चले जाओ, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखो, इफ जो है ना, दैट इज द नेम ऑफ द पॉइम, दैट इज द नेम ऑफ अ पॉइम, इफ जो है एक पॉइम है, आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ी भी होगी, इफ एक पॉइम है रडयार्ड किपलिंग ने लिखी, और खैर मैंने लिख दिया है वन ऑफ माई फेवरेट पॉइम्स, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये वन ऑफ माई फेवरेट पॉइम्स नहीं है, मेरी फेवरेट पॉइम ही है, मतलब मेरी फेवरेट पॉइम है ही इफ, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक दो है जो मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है, मनुष्य और सर्प है, और एक वो आग है, मतलब आग है क्या पूरा नाम तो मैं भूल गया, बहुत पहले पढ़ी थी, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक दो पॉइम्स हैं जो मुझे पसंद है, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की भी एक दो पसंद है, ठीक है, लेकिन
इफ तो अल्टीमेट है, इफ का तो कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मेरी फेवरेट पोएम ही है, ठीक है, और आप में से बहुत से लोगों ने इसको, इफ को पढ़ा भी होगा, ठीक है। और देखिए मैं बताता हूँ, इफ जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पोएम, ये एक पोएम का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि प्रॉपर नाउन्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स हमेशा किसी पर्टिकुलर को रेफर करते हैं। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट मस्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, वो पहले से आइडेंटिफाइड होगा। तो एक छोटी सी बात ध्यान देना कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, उनके साथ अगर रिलेटिव क्लॉज लिखनी पड़े तो नॉन डिफाइनिंग ही लिखा करो। जैसे वो गांधी जी थे, हमने लिखा गांधी जी, तो गांधी जी कोई कॉमन नाउन तो है नहीं, गांधी जी तो प्रॉपर नाउन है। तो अगर गांधी जी प्रॉपर नाउन है, तो इसका मतलब ही इज अ पर्टिकुलर पर्सन, ही इज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो अगर वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई क्यों करोगे? तो उनके लिए हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख दी थी, ठीक है। वही कहानी इफ के साथ है। अब मान लो गांधी जी पर्सन है, इफ पॉइम है, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो प्रॉपर नाउन है। तो इफ जो है ना, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं। तो अगर वो एक पर्टिकुलर और डेफिनेट इंडिविजुअल होते हैं, तो आप उनको डिफाइन करने के लिए रिलेटिव क्लॉज क्यों लिखोगे? अगर उनके लिए रिलेटिव क्लॉज लिखोगे, तो एलेबरेशन के लिए लिखोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लो, तो फर्स्ट ऐसे ही गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हो। आगे बात, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आ जाए। थर्ड फोर्थ, द डायरेक्टर हुम आई फाइंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज क्रिस्टोफर नॉलन। द डायरेक्टर हुम आई फाइंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज क्रिस्टोफर नॉलन। आंसर बताओ। चांद सिंह, मान जाया करो यार, मतलब ओवर एक्टिंग है ना, टांग मत तोड़ा करो, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन थोड़ा सोच भी लिया करो। थोड़ा सोचने से पहले, मतलब बोलने से पहले सोच भी लिया करो। हाँ, इफ हो सकता है और उन्होंने भी लिखी हो, तुमने आज तक पढ़ी किसी और ने लिखी हो? होम सिंह पढ़ाई अपने स्टूडेंट्स को, वैसे पढ़ाई जैसे मैं पढ़ाता हूं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन डिफाइनिंग होता है बच्चे, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो होता है ना वो नॉन डिफाइनिंग होता है, और रिस्ट्रिक्टिव जो होता है वो डिफाइनिंग होता है। मतलब डिफाइनिंग का मतलब रिस्ट्रिक्टिव, और नॉन डिफाइनिंग का मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। ये डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी क्रिस्टोफर नॉलन आर। तुम नहीं सुधरोगे सर, तुमने सुधरे के राजी नहीं हो बस, ठीक है। हाँ, सुधरोगे नहीं। प्रॉपर नाउन है भाई मेरे, क्रिस्टोफर नॉलन प्रॉपर नाउन है, सी कैपिटल एन कैपिटल, क्यों नहीं अकल यूज करते? चलो खैर छोड़ो, जिसको समझ में आए। तो देखिए मैं बताता हूं, जैसे हमने यहां पे सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो क्रिस्टोफर नॉलन है ना, अगर हम सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, तो हमें क्लॉज लिखनी पड़ेगी नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। मान लो अगर हम ऐसे लिखें, क्रिस्टोफर, ये असल में हमारे आधे बच्चे हैं ना, ये ग्रामर की बुक के अलावा इंग्लिश कहीं से पढ़ते नहीं है, बस ये ग्रामर की रूल रट्टे वाली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उन्हीं में पढ़ने में लगे पड़े हैं। तो ये सीखेंगे कहाँ से भाई? थोड़ा सा देश दुनिया के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करो, देश दुनिया की भी जानकारी करो। पता चले तुम्हें यही नहीं पता कि इफ पॉइंट एक है दुनिया भर में कि 10 है, अब तुम्हें यही नहीं पता कि हॉलीवुड क्रिस्टोफर नॉलन डायरेक्टर एक है कि एक से ज्यादा है, तो फिर कैसे इंग्लिश सीख पाओगे जब तुम्हें बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगी? जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड भी तो होनी चाहिए ना। बस वही 4 किताबें ली रूल वाली, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और बस याद करके पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं होता बेटा। बी अ बिट प्रैक्टिकल, लैंग्वेज सीखने के बाद में फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी तो करना होता है कि बस उसको पढ़ते ही रहोगे हमेशा। देखो, क्रिस्टोफर नॉलन हुम आई फाइंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैज डायरेक्टेड द मूवी टेनेट, ठीक है। जैसे हमने लिखा, बहुत अच्छे रहो बच्चे,
अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्रिस्टोफर नॉलन हुम आई फाइंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैज डायरेक्टेड द मूवी टेनेट, ठीक है, तो ये हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखे। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्यों लिखी? ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टोफर नॉलन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की फर्दर कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उनके लिए अगर हमें कभी कोई रिलेटिव क्लॉज लिखनी भी होगी तो वो रिलेटिव क्लॉज उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कैरी करेगी, वो उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगी। तो चूंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो कॉमा के साथ लिख दें, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। हम ठीक है, तो यहां पे हमने कॉमा यूज कर लिया, हुम आई फाइंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में, उनको आइडेंटिफाई करने के बारे में नहीं है। मान लो अगर हम उसको हटा भी दें और केवल इतना लिख दें क्रिस्टोफर नॉलन हैज डायरेक्टेड द मूवी टेनेट, तो भी हमें पता चल जाएगा विच क्रिस्टोफर नॉलन, ठीक है, हमें तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल होती है इनको कॉमा के साथ लिखा करो, ठीक है। खैर, अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा, हमने क्रिस्टोफर नॉलन को ना बनाया कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट पार्ट में ले गए, और सब्जेक्ट बनाया डायरेक्टर को, डायरेक्टर कॉमन नाउन है। अब फिर हमें डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो विच डायरेक्टर, ठीक है, विच डायरेक्टर। तो अब हमें यहां पे क्लॉज लिखनी पड़ेगी डिफाइनिंग, तो अब ये सही है और ये गलत है। तो जो डायरेक्टर है ना बच्चे, ये कॉमन नाउन है, डायरेक्टर जो है ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम तो होते नहीं है। कॉमन नाउन जो होते हैं वो नेम ऑफ टाइप होते हैं, और एनी इंडिविजुअल ऑफ दैट टाइप कैन बी रेफर्ड टू बाई दैट कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ में चांसेस ज्यादा होते हैं कि नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग क्लॉज हमें लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर नाउन्स के साथ में डिफाइनिंग क्लॉज मत लिखा करो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बात, हालांकि हालांकि बात बेतुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम अज्यूम कर लें, चलो भाई ऐसा हो जाता है कि भाई मान लो इफ पोएम है एक ही रडयार्ड किपलिंग की, लेकिन हम मान लेते हैं 10-5 इफ लिख दें, एक रडयार्ड किपलिंग ने लिख दी, एक इस बच्चे ने लिख दी, इसने कहा ठीक है, एक मेरा मन हुआ मैं सुबह उठा मैंने लिख दी, ठीक है। अब मान लो कई रडयार्ड के मतलब कई पोएम्स लिख गए, ठीक है, तो उस केस में हम पता करें क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे द इफ, तो हम यहां पे लिखेंगे द इफ, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोचा करो, ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम सही मान लेते हो, तुम्हें जो गलत लगता है तुम गलत मान लेते हो, ठीक है। गलत क्या है सही क्या है वो हम पता ही नहीं करना चाहते, मतलब हम इंसानों के साथ में एक अच्छी खासियत है कि जो अच्छा लगा अच्छा मान लिया, जो गलत लगा गलत मान लिया। अब सही गलत था क्या वो हम पता करने की कभी जहमत नहीं उठाते, क्योंकि उसमें खोपड़ी के फ्यूज उड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे मत करो। तो हमें पता लिखना पड़ेगा द इफ। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से तुम्हें समझा देता हूं। मोहन प्रॉपर नाउन, सबको पता, चलो बात खत्म हो गई। फिर एक क्लास है उसमें एक मोहन, ये मोहन शर्मा, एक ये मोहन, मोहन वर्मा, एक ये मोहन, मोहन तिवारी, एक ये मोहन, मोहन चौबे, एक ये मोहन, मोहन जो भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्लास में 5 मोहन नाम के बच्चे हो गए, ठीक है, अब तो मोहन प्रॉपर नहीं रहा, अब तो कॉमन हो गया, क्योंकि अब ये पता कहते हैं, ठीक है, जैसे हमारी क्लास में 5 मोहन नाम के बच्चे हैं, तो अब मोहन वर्ड कॉमन हो गया, क्योंकि उस नाम को 5 लोग शेयर कर रहे हैं। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब शेयर्ड बाई होता है ना, कॉमन का मतलब था शेयर्ड बाई, मतलब कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के यूज नहीं होता, दैट इज शेयर्ड बाई बाई मैनी, उसको कई लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं वो एक ही नाम के हैं, तो वहां पे मोहन हमारा कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब मान लो इनमें से हमें एक पर्टिकुलर मोहन को रेफर करना हो कि भाई वो वाला मोहन जो मेरा पड़ोसी है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, द मोहन हु इज माई नेबर, हु इज माई, चलो वो अपना देख लेना, हु इज माई नेबर इज वेरी रिच। तो अगर हम यहां पे लिख देंगे द मोहन हु इज माई नेबर, तो इसका मतलब है देयर आर मैनी मोहन्स, कई मोहन होंगे और उनमें से वो जो मेरा नेबर है वो रिच है। अब मान लो ऐसा ना हो, मोहन एक ही हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस रेफरेंस में जहां पर हम बात कर रहे हैं उस गली मोहल्ले में उस क्लास में एक ही मोहन हो, तब क्यों ऐसा लिखोगे, तब सीधे ये लिखो मोहन हु इज माई नेबर, हु इज माई नेबर, ठीक है, इज वेरी रिच। सही लगा सही मान लिया, गलत लगा गलत मान लिया, सही गलत क्या था वो पता करने का भी कोशिश ही नहीं की, ऐसे नहीं होता देखो भाई। तो यहां पे तब हम कॉमा लगा देंगे, तो मान लो अगर मोहन एक प्रॉपर नाउन है और एक ही मोहन है, ठीक है, तो हम क्यों उसके बारे में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख देंगे। और मान लो बहुत से मोहन है उनमें से एक को रेफर करना है, तो क्लॉज लिखेंगे डिफाइनिंग और मोहन के साथ लिखेंगे द, हाँ बहुत बार ऐसा होता है बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है। देखो प्रॉपर
प्रॉपर नाउन कॉमन हो सकता है, कॉमन नाउन प्रॉपर हो सकता है, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता रहता है, लेकिन फिर उसके हिसाब से लैंग्वेज के यूजेस भी तो बदलते हैं, ठीक है भाई। जैसे कोई कॉमन नाउन है, हम उसको एज अ प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं, और कोई प्रॉपर नाउन उसको एज अ कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका ट्रीटमेंट भी तो उसी तरीके से होगा भाई। मान लो तुमने मोहन को प्रॉपर से कॉमन मान लिया, कॉमन मान लेने से काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर के आता नहीं है। अब वो तुम मोहन लिख रहे हो, है कॉमन नाउन, उसके साथ में द आर्टिकल नहीं लिखोगे तो सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के कैसे आएगा? आर्टिकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका आंसर याद कर लेते हैं, उसे सीखते कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। चलो खैर, ये हो गया, बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलो, योर फ्रेंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, योर फ्रेंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, ठीक है, विच ऑफ दिस इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? बेटा मनोहर दुड़ी, अगर यही तुम्हारा सही नाम है, एंड इफ आई हैव प्रोनाउंस इट करेक्टली, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहां पे दो एग्जांपल्स हैं, योर फ्रेंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, योर फ्रेंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, ठीक है, ये बता दो इनमें से कौन सा सही, फर्स्ट और सेकेंड? बेटा मैंने इंटरस्टेलर भी देखी है, मोमेंटो भी देखी है, डंकिर्क भी देखी है, और इंसेप्शन तो दो बार देखी थी तब समझ में आई थी, ठीक है, वो भी देखी है, बैटमैन बिगिंस देखी है, डार्क नाइट देखी है, डार्क नाइट राइजेस देखी है, ठीक है, टेनेट आ जाएगी तो वो भी देखूंगा। मतलब क्रिस्टोफर नॉलन की मुझे नहीं लगता मैंने कोई मूवी मिस की होगी, अगर यही मूवी उन्होंने बनाई है जो मैंने नाम ले दिया तो। राम राम रॉयल एजुकेशन, प्रभु कह रहा है देखो मुझे, अरे भैया क्यों झाड़ पे टांग दोगे मुझे? कोई किंग कहेगा, कोई विजार्ड कहेगा, कोई गुरु ऑफ कहेगा, मैजिशियन ऑफ कहेगा, तुम प्रभु ही कह दो, ठीक है, ऐसा नहीं रहो। आई एम जस्ट एज फ्लेश एंड ब्लड एज यू आर, ठीक है, मैं उतना ही आदमी हूं जितना तुम हो, और उतनी ही कमियां मुझ में है जितनी तुम में है, और उतनी ही खूबियां मुझ में होंगी जितनी तुम में, ठीक है, बट हम अपनी खूबियों को एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने, या अपनी कमियों को एक्सपोज कर रहे हैं, हम किसके सहारे जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कमियों के थ्रू, बुराइयों के थ्रू, या अच्छाइयों के थ्रू, वो वैरी करता है, हम सभी एक से हैं भाई। ओके, ओनली फर्स्ट ओनली टू, ठीक है बढ़िया, तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोलते सभी हो, ठीक है अच्छी बात है। अब देखो मैं समझा देता हूँ, छोटी सी बात, अगर हम टाइप ऑफ क्लॉज की बात करें, जैसे हमने यहां पे कॉमा नहीं लिखा, ठीक है, और यहां पे कॉमा लिख दिए, तो ये हो गई नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ओके, और ये हो गई डिफाइनिंग क्लॉज, ऐसे ही हुआ ना। तो अगर हम केवल डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के बेसिस पे बात करें तो दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस इसलिए सही है कि मान लो यू का एक ही फ्रेंड है, ठीक है, और वो उसके बारे में बात कर रहा था, और वो उसका फ्रेंड मुझे रोज मिलता है, तो हमारा सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा योर फ्रेंड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, ये सही हो गया भाई। मान लेते हैं जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कार वाला डिस्कस किया था ना, कि एक ही कार है और उसी कार को रेफर करना है, तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखनी पड़ेगी। तो मान लो किसी का फ्रेंड एक ही हो, लेकिन अब मान लो किसी के फ्रेंड कई हो, कई फ्रेंड होंगे, तो हम वाला लिख देंगे। तो अगर हम नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग के हिसाब से देखें तब तो ये दोनों सही है, लेकिन अब एक तीसरी कहानी यहां पर डेवलप होती है, क्या होती है कि जो हु है, हुम है, विच है और दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनकी मदद से हम रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। इनमें से जो हु हुम विच है ना, ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, ये दोनों तरीके की रिलेटिव क्लॉजेस में यूज हो सकते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन। दैट जो होता है ना, वो केवल डिफाइनिंग क्लॉजेस का ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। असल में सबको पता होगा कि दैट का यूज ही हम करते हैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, दैट मैन, दिस मैन, ठीक है। तो जो दैट लिख दिया ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये डिफाइनिंग क्लॉज ही बनेगी। अगर हम दैट का यूज कर लेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो ऑब्वियस ही बात है ये किसी ने किसी का आइडेंटिफिकेशन ही होगा। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं और इनका काम ही मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है। तो दैट रिलेटिव क्लॉज का यूज तभी किया जाता है जब क्लॉज डिफाइनिंग हो। तो अब दैट की वजह से बात वाला गलत हो गया। मतलब वैसे तो दोनों सही है, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग के हिसाब से कोई गलत नहीं है, डिफाइनिंग के हिसाब से आप सही यूज कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ही यूज करनी है, तो फिर दैट रिमूव करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम ऐसा ही लिखा रहने दें और इनमें कोई करेक्शन ना करें, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही और ये वाला हो जाएगा गलत।
तो अगर ये बात तुम छोटी सी पहले से ना जानते हो तो आगे ध्यान देना कि दैट केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज होता है। तो दैट का यूज तभी करना जब आपकी क्लॉज डिफाइनिंग हो। बाकी जो है जैसे हु है, हुम है, विच है, आप उनका कहीं भी यूज कर सकते हो, डिफाइनिंग में भी यूज कर सकते हो, नॉन डिफाइनिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दैट अगर यूज कर रहे हो तो समझ जाना कि वो क्लॉज डिफाइनिंग ही बनेगी, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग के हिसाब से तो दोनों सही थे, लेकिन दैट की वजह से ये वाला गलत हो गया, वाला सही हो गया। अब इसको अगर सही करना चाहते हो ना सेकंड को, तो दैट की जगह हु लिख के सही कर सकते हो। योर फ्रेंड हु, सॉरी हु नहीं, हुम, हुम यू वर टॉकिंग अबाउट मीट्स मी एवरी डे, ठीक है। चलो अब थर्ड फोर्थ पे आ जाओ। नूर आलम, ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अब शी इंट्रोड्यूस मी टू हर हस्बैंड हु लिव्स इन अमेरिका, तो हु लिव्स इन अमेरिका हस्बैंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। मान लो किसी लेडी के बहुत से हस्बैंड हैं, तब तो आप आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को कॉमा के साथ में। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ 10 मिनट पहले, वही तुम मेरे से पूछ रहे हो, हद है यार। थर्ड और फोर्थ में बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। योर फादर दैट अदर्स कंसिडर वेरी स्ट्रिक्ट इज एक्चुअली वेरी काइंड हार्टेड। योर फादर दैट अदर्स कंसिडर वेरी स्ट्रिक्ट इज एक्चुअली वेरी काइंड हार्टेड। थर्ड सेंटेंस सही है, फोर्थ सेंटेंस सही है? बेटा थर्ड सेंटेंस सही है, फोर्थ सेंटेंस सही है? आंसर कर दो जल्दी से। थर्ड फोर्थ। खैर देखो एक चीज मैं बता देता हूं, अगर हम फादर को एंटीसीडेंट बना लेंगे, ठीक है, अगर हम फादर को एंटीसीडेंट बना लेंगे तो डिफाइनिंग क्लॉज तो आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। डिफाइनिंग क्लॉज तो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि पिताजी एक ही होते हैं, ठीक है भाई। कई बार आदमी रहता है शादी उसने तीन कर ली, जैसे वो कुछ कपिल शर्मा की मूवी नहीं है वो, पता नहीं कौन सी उसमें, हालांकि मैंने तो देखी नहीं, लोग उसकी कहानी बताते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं उन्हें बड़ी पसंद आती है, कपिल शर्मा का शो बड़ा पसंद, कपिल शर्मा की मूवी बहुत पसंद। अच्छा हमें तो उससे लाख गुनी अच्छी अक्षय कुमार की कॉमेडी लगती है, ठीक है। राजपाल यादव उससे कहीं भारी पड़ता है, ठीक है। परेश रावल उससे कहीं अच्छी कॉमेडी कर देता है, नहीं तो अपना वो साउथ इंडियन ब्रह्मानंदम है, वो तो कॉमेडी में भाई टॉप है, उसका तो कोई आसपास भी नहीं फटकता। खैर कहाँ चले गए, देखो कॉमेडी की बात करने लग गए। तो उसकी एक मूवी है कपिल शर्मा की, तो उसमें वो दो तीन शादी कर लेता है बताते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा हो गया कि कपिल शर्मा ने कई शादी कर ली, तो हो सकता है कोई महिला भी कई शादी कर ले, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन पिताजी तो कई होने से रहे, तो ये जो हमने सिचुएशन लिखी ना इसमें आप डिफाइनिंग क्लॉज तो यूज नहीं कर पाओगे, तो ये डिफाइनिंग क्लॉज वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अच्छा नॉन डिफाइनिंग वाला ही सही हो सकता है क्योंकि पिताजी एक ही होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब एक ही है पिताजी तो उनको क्यों आइडेंटिफाई करोगे विच फादर, तो उनके लिए हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन अब कहानी है कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखोगे तो दैट न्यूज होगा, तो लो ये भी गलत हो गया। तो मतलब ये दोनों ही सही, मतलब दोनों ही गलत हैं। फोर्थ एग्जाम्पल को हम सही कर सकते हैं हुम लिख के, योर फादर हुम अदर्स कंसिडर वेरी स्ट्रिक्ट इज एक्चुअली वेरी काइंड हार्टेड। तो ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ना दैट कैन बी करेक्टेड, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हुम लिखकर। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है ना उसमें हमें हुम भी लिखना पड़ेगा, कॉमा भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डिफाइनिंग क्लॉज लिख के फादर को एंटीसीडेंट नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये ऐसी कहानी है, ठीक है। तो ये हो गए, चलो आगे आते हैं। मतलब देखो होता पता है क्या भाई, अब इतने दिन से अगर तुम लोग मेरे चैनल पे पढ़ते हो और यहाँ पे समझते हो, तो एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश सीखने के लिए क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी है, डेप्थ है, ये क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, और उसके बाद में जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड भी क्लियर होनी चाहिए। मतलब देश दुनिया की आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, फिर ये एंटीसेंट बातें करोगे, क्या पता इफ कहीं हो, क्या पता क्रिस्टोफर नॉलन कहीं हो, तो ये फिर मूर्खता वाली बातें करोगे तो सीख नहीं पाओगे कभी। तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है ना देश दुनिया की, वो भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज तो क्लियर होनी ही चाहिए। नूर आलम बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। अगर तुम डिफाइनिंग क्लॉज लिख दोगे ना हस्बैंड के साथ, तो ये मानना पड़ेगा कि उसके हस्बैंड कई हैं, उनमें से एक की तुम बात कर रहे हो। लेकिन इज इट लॉजिकल, ऐसा होता है क्या? नागिन देख, पागल है क्या? नागिन वागिन नहीं देखता मैं पहली बार सीरियल देखता नहीं हूं भाई, मैं केवल मूवीज ही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ। सीरियल नहीं देखता, न्यूज व्यूज भी नहीं देखता मैं। नमस्ते भाई। देखिए खैर ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने दिख रहे होंगे, मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ।
रिलेटिव क्लॉजेस एक तो हम रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाते हैं, हु, होम, विच और दैट की मदद से, ठीक है। फिर अगर तुमने पढ़ा हो कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वैसे रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। तो जिस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वैसे रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम रिलेटिव क्लॉजेस रिलेटिव प्रोनाउंस की मदद से भी बनाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स की मदद से भी बनाते हैं। बस डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज हमने जैसे थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए किया, लेकिन जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है, तो इनका यूज हम करते हैं उन वर्ड्स को रेफर करने के लिए जो टाइम को, प्लेस को, रीजन को रेफर करते हैं, उनके साथ में इनका यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो व्हेन का यूज हम करते हैं एज ए रिलेटिव एडवर्ब तब जब हमें किसी ऐसे वर्ड को रेफर करना हो जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ, और क्या था, रिलेटिव एडवर्ब वेयर है। वेयर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे नाउन को रेफर करना हो जो कि प्लेस को रिप्रेजेंट करता हो। तो मतलब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का भी ध्यान देना, ये भी रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इनके साथ में लिखी गई क्लॉजेस भी रिलेटिव क्लॉज ही होती हैं, ठीक है। डिफरेंस वही है, अगर आप एलेबरेशन कर रहे हो तो फिर कॉमा लगा देना, नहीं कर रहे हो तो मत लगा देना, पहले एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा कमल विल सून विजिट कोलकाता, वेयर ही वॉज बॉर्न, तो जो वेयर ही वॉज बॉर्न हमने लिखा ना, ये रिलेटिव क्लॉज है और ये नॉन डिफाइनिंग है, और इसको नॉन डिफाइनिंग ही होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस नाउन को रेफर करने के लिए, मतलब प्लेस नेम हो गया ना, कोलकाता सिटी नेम है, तो जिस प्लेस को, जिस सिटी को रेफर करने के लिए हमने इसे रिलेटिव क्लॉज का यूज किया है ना, वो प्रॉपर नाउन है। चूंकि वो प्रॉपर नाउन है तो हमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये नाम ही लिखें वेयर ही वॉज बॉर्न और केवल इतना बता दें कोलकाता, तो भी कोलकाता के बारे में लोग जान जाएंगे। तो कोलकाता के बारे में जो हमने वेयर ही वॉज बॉर्न लिखा है ना, वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है कोलकाता का, वो उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है कि कोलकाता में इसका जन्म भी हुआ होगा, ठीक है, तो वो सही है। अगले में जाओ, सर पॉसिबल तो ही ना हस्बैंड एक से ज्यादा की अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत हो जाएगा बेटा। हस्बैंड के साथ में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखोगे तो सही होगा, डिफाइनिंग क्लॉज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या, नेक्स्ट देखो, अ ह्यूज क्रेटर मार्क्स दिस स्पॉट, ठीक है, एक बड़ा क्रेटर गड्ढा सा हो गया है किस जगह पे, विच विच स्पॉट, तो विच स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए था वेयर द एक्सप्लोजन हैपेंड, जहां पे वो मतलब एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। तो देखो स्पॉट जो है ना, ये कॉमन नाउन है, कोलकाता प्रॉपर नाउन है, तो कोलकाता को तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिख दी, कॉमा लगा दिया। लेकिन स्पॉट, विच स्पॉट, कौन सा स्पॉट जो है, ठीक है, ये बताने के लिए हमने जो क्लॉज लिखे ना डिफाइनिंग है, तो हमने कॉमा नहीं लगाया। तो ये अपना ध्यान देना, जो रिलेटिव एडवर्ब्स की मदद से हम रिलेटिव क्लॉज लिखते हैं ना, कॉमा का यूज उनके साथ भी वैसे ही होता है कि आप रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हो, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, चाहे रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके, जिस नाउन के लिए वो रिलेटिव क्लॉज यूज हो रही है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फिर कॉमा मत लगाना। अगर आप उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो फिर कॉमा लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, दे हैव फॉरगॉटन द ईयर व्हेन द मैच वॉज प्लेड। अब देखो हमने कहा कि वो साल भूल गए जब मैच खेला गया, सो दे हैव फॉरगॉटन द ईयर, विच ईयर, विच ईयर हैव दे फॉरगॉटन, तो ईयर को आइडेंटिफाई करने का हमने लिख दिया व्हेन द मैच वॉज प्लेड, जब मैच खेला गया। तो ये जो हमने क्लॉज लिखी ना, ये डिफाइनिंग है और ये सही है, मतलब ये गलत नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि व्हेन द मैच वॉज प्लेड जो है ना, वो आइडेंटिफिकेशन है ईयर का, उसी के थ्रू हम ईयर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कौन सा ईयर भूल गया। यहाँ पे आ जाते हैं, माई फ्रेंड वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2012, अब मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गया 2012 में, ठीक है। अब 2012 तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा ना, विच 2012, देर आर नॉट मैनी 2012, मैनी 2012 तो होते नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने क्लॉज लिखी ना, व्हेन ही ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है और ये नॉन डिफाइनिंग ही होनी भी चाहिए, तो कुल मिला के ये सेंटेंस सही हो गया। तो अगर हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का यूज करें तो इनके साथ भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि अगर आप इनसे पहले कोई ऐसा नाउन लिख दो जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लॉज लिखी जा रही है तो कॉमा मत लगाना, अगर उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज कर रहे हो तो कॉमा लगा लेना, ठीक, ये बात हो गई। खैर, तो व्हेन और वेयर को ऐसे डील कर लोगे, अब आ जाते हैं व्हाई पे। व्हाई जो होता है ना, ये एडवर्ब रीजन होता है, ठीक है, रीजन, रीजन, अच्छा रीजन जो होता है वो हमेशा आइडेंटिफिकेशन ही होता है, तो ये ध्यान देना।
तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो दैट होता है वो हमेशा डिफाइनिंग क्लॉजेस में यूज होता है, वैसे ये ध्यान देना कि जो वाई होता है ना रिलेटिव एडवर्ब, वो भी हमेशा डिफाइनिंग क्लॉज में यूज होता है। तो ये जो दैट और वाई है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वाई रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन ये दोनों तभी यूज किए जाते हैं जब हमें डिफाइनिंग क्लॉजेस यूज करनी हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमने कॉमा यूज किया सही, यहाँ पे नहीं यूज किया सही, यहाँ पे कॉमा यूज किया नहीं यूज किया सही, यहाँ पे यूज कर लिया सही, लेकिन ये गलत है, इसको हटा दो। तो इसको ऐसे लिखो, शी एन्यूमरेटेड ऑल द रीजंस, विच ऑल द रीजंस व्हाई शी वांटेड टू लीव हिम, कि वो उसे क्यों छोड़ना चाहती थी, उसके उसने सारे रीजंस की लिस्ट बना के अपनी रख ली। चलो तो ये अपना ध्यान देना कि रिलेटिव एडवर्ब्स में जो वाई होता है वो केवल डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के लिए ही यूज होता है, जिस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस में दैट केवल डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के लिए ही यूज होता है। ठीक है, बाकी जो है व्हेन है वेयर है व्हाई है, उनको आप कैसे यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के नाउन को के लिए रिलेटिव क्लॉज लिख रहे हो। ठीक है, जैसे हु है हुम है विच है, उनको हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों तरीके के रिलेटिव क्लॉजेस के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम व्हेन वेयर का यूज भी दोनों तरीके के रिलेटिव क्लॉजेस में कर सकते हैं, जो डिफाइनिंग हो नॉन डिफाइनिंग हो। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, उसको लेकर आज का पूरा लेक्चर था। तो अगर तुम लोगों ने ध्यान से चीजों को सुना समझा है और थोड़ा सा मतलब पहले से बातें जानते थे 10-15%, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कॉमा का यूज रिलेटिव क्लॉजेस के साथ में, मुझे लग रहा है आज मैं इतना ही डिस्कस करना चाह रहा था, लो हो गया। ठीक है, अभी चलता रहेगा पंक्चुएशन ना कॉमा के, हम अभी यूजेस और डिस्कस करेंगे, ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे और चलता रहेगा कहानी। ठीक है, और कितना टाइम हो गया, 50 मिनट्स हो गए देखो हम लोगों क्लास लेते हुए। और ये जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया और आज पढ़ाया, ये मैं सोच रहा था कि एक क्लास में हो जाएगा 50 मिनट्स में, लेकिन चलो खैर वो डबल लग गया टाइम, कोई बात नहीं। वाई क्लॉज नाउन है बेटा, रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती है, शुरू में बताया था ना, रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती हैं। ठीक है, हाँ रिलेटिव क्लॉजेज एडजेक्टिव होती हैं, ये ध्यान रखना, इन नाउन नाउन नहीं होती हैं। इन विच इन द प्लेस ऑफ वेयर, एक मैं रिलेटिव क्लॉज का लेक्चर कभी रख लूंगा तुम लोगों के साथ में, हाँ ठीक है, और उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल लिख दूंगा, जो रिलेटिव हमारे एडवर्ब्स होते हैं हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती है, बस ये है। तो अगर शॉर्ट में आंसर दें, यस वी कैन डू, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बच्चे। रॉयल एजुकेशन, अच्छा स्वरूप नगर तुम हो बेटा, पढ़ा रहे हो ना, बढ़िया बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी, द नेक्स्ट क्लास द डे आफ्टर टुमारो। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप में से जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में शायद एक वीडियो भी बना के डाल रखा है, बाकी मैं अभी 2 मिनट लगेंगे बता देता हूँ। ठीक है, हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना असिक लाइव, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ इसका, रात होती है दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। एक एप्लीकेशन है ना हमारा असिक लाइव, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, उस पर वैसे तो दुनिया भर के कोर्सेज हैं, लेकिन हमने उसमें एक एनकॉम प्रैक्टिस कोर्स बना रखा है, एनकॉम प्रैक्टिस। तो जो एनकॉम प्रैक्टिस बैच है ना, ये प्रैक्टिस के लिए इसकी क्लासेज होती हैं ट्यूजडे और थर्सडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे क्लास होती है 9 बजे से, जब मैं यूट्यूब पे नहीं होता हूँ तो ट्यूजडे थर्सडे को उसी पे क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, तो एनकॉम प्रैक्टिस बैच है, वैसे तो इसकी फीस 500 हमने डिसाइड कर रखी है, आप उसको 500 में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक तरीका भी है, आप चाहो तो अपने 500 रुपये बचा भी सकते हो। ठीक है, कि उसको आप ज्वाइन कर लो कूपन कोड का यूज करके, प्रैक्टिस कूपन कोड है, प्रैक्टिस कूपन कोड का यूज करके उस बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें हम स्ट्रिक्टली कंपटीशन से रिलेटेड कंटेंट ही प्रैक्टिस करते हैं, मतलब केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए यूट्यूब पे तो हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे साथ में बहुत से ऐसे भी मतलब बच्चे और लोग जुड़े हुए हैं जो कि इंग्लिश टीचिंग वगैरह करते हैं और अपने कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हायर लेवल की क्लैरिटी हो जाती है, तो उनको परफॉर्म करने में क्लास में थोड़ा सा फायदा मिलता होगा। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा इनकम प्रैक्टिस बैच है ना, उसमें हम स्ट्रिक्टली डिस्कस करते हैं कंटेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक एसएससी यूपीएससी के एग्जाम्स से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वही डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने फिर से बता देता हूं, उसकी फीस 500 है, लेकिन आप उसको बचा सकते हो, 500 नहीं पे करके भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस PRACTICE ये कूपन कोड यूज करना है, कूपन कोड के थ्रू भी उसे ज्वाइन कर सकते हो, ट्यूजडे थर्सडे उसकी 9 बजे से क्लास होती है, तो आप इस तरीके से वहां पे भी हमारे टच में रह सकते हो। ठीक है, बाकी एक तुम में से ज्यादातर लोग तो कनेक्ट होंगे, बाकी वो एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है असेक इंग्लिश, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो।
जिससे आपको अपडेट वगैरह मिलती रहेगी, ASECENGLISH, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे तो वही कनेक्ट है, ठीक है। और ज्यादा कनेक्ट भी ना हो कि सब जगह कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। iOS पे ऐप, अबे iOS का देख, iOS की कहानी बताता हूँ। हमारा बैच है, कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं, एनकॉम बैचेस आते हैं, तो उसकी फीस 6,000। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर की फीस तो है इंडिया की GDP से ज्यादा, बात समझ रहे हो। तो हमारे पास ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि ये मतलब छोड़ो, तो iOS ऐप वगैरह छोड़ो, iOS ऐप कितना महंगा बनता है, इतना महंगा होता है, बनवा भी दें अब फिर बैच कितने का लेकर आएंगे, 1299, 1899, ठीक है। तो iOS ऐप के तो हमारे कभी पैसे ही नहीं निकलेंगे, तो वो iOS iOS रहने दो, एंड्रॉयड ही सही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास iOS फोन है तो एंड्रॉयड फोन खरीदना तो महंगा नहीं है, 6-7-8-10 हज़ार का आ जाता है, बढ़िया फोन लोगे 15-16 हज़ार का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसके पास बेचारे के पास एंड्रॉयड है वो iOS खरीद लेगा तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो iOS वाइस कुछ नहीं, केवल एंड्रॉयड ऐप ही रहेगा और यही यूज करेंगे, ठीक है। वैसे बच्चों पर इतनी मार पड़ रही है और उनको आईफोन और खरीदवा दें, ठीक है। रॉयल एजुकेशन कुछ नहीं लीक हुआ, मैं नदी हूं, मैं हमेशा बहता रहता हूँ, ठीक है। मैं रेजिडेंशियल अपने प्रोग्राम्स लेने आने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अपने ना जिंदगी जीने के लोगों के ढंग होते हैं कि कोई कैसे जीना चाहता है, मतलब चोरी चकारी से जीना चाहता है या सीधे रास्ते पे चल के जीना चाहता है, ठीक है। तो ये चोरी चकारी वाले हमने सारे देखे, इनका कहाँ से इन्होंने शुरू किया, कहाँ पे जाके खत्म हुआ, कैसे इनका अंत हुआ, वो हमें सब पता है, ठीक है। तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों के अपने अपने तरीके हैं जिंदगी जीने के, उनको जीने दो। तो चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, बहुत बातें हो गई, मैं घर निकलता हूँ, अभी भी इतने समय तक स्टूडियो में हूँ। थैंक यू एवरीबडी, बाय, गुड नाइट।